आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या हमारे पास दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग, इनको हमने हल करना है। पहला पार्ट हमारे पास एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 7, क्या है एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 7, यानी एक्स हमारे पास एक नंबर है, उसमें से हमने 2 को सब्ट्रैक्ट किया है तो हमारे पास 7 आ गया है आंसर। ट्रांसपोजिंग का रूल इस्तेमाल करेंगे कैसे, जैसे हम एक्स की वैल्यू मालूम करनी है तो मैं लिखूँगा पहले एक्स इज इक्वल टू 7 प्लस 2, 7 प्लस 2। मैंने क्या लिखा, एक्स अपनी जगह लिखा, माइनस टू को मैंने इज इक्वल टू के पार ले गया मैंने, यानी RHS में ले गया। क्यों, कि हमने पढ़ा है 7th में ट्रांसपोजिंग, 7th में हमने पढ़ा है ट्रांसपोजिंग रूल। ट्रांसपोज हम कैसे नंबर करते हैं, जब हम किसी नंबर को LHS से ट्रांसपोज करते हैं RHS की तरफ तो उसको हम कैसे ट्रांसपोज करते हैं। तो मैंने क्या लिखा, यहाँ पे हमारे पास माइनस में 2 था तो आगे मैंने प्लस में लिख लिया, इसका मतलब कि जो नंबर माइनस के साथ हो तो वो आगे RHS में प्लस की निशानी लगेगी उसमें। उसके बाद एक्स इज इक्वल टू 7 प्लस 2 कितना होता है 9, यानी एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 9 आ गई, यानी हमारे हम अगर 9 एक्स की जगह 9 लिखेंगे तो हम 9 में से 2 जब निकालेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। ये था हमारे पास पहला पार्ट। दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है, इसको मैं रब कर दूंगा। दूसरा पार्ट हमारे पास है y+3 इज इक्वल टू 10, y+3 इज इक्वल टू 10। हमने क्या करना है, y में हम क्या ऐड करेंगे, y में हम क्या ऐड करेंगे नहीं, यानी 3 में हमने क्या ऐड करना है तो हमारे पास 10 आ जाए। यानी y हमारे पास एक नंबर है जिसको हम 3 ऐड करते हैं तो हमारे पास 10 आता है। तो हमने क्या लिखना है, दैट एम्प्लाइज, फिर से वही तरीका हमने इस्तेमाल करना है ट्रांसपोजिंग का, y इज इक्वल टू 10 अपनी जगह, अच्छा यहाँ पर 3 प्लस में था तो इसको हमने ट्रांसपोज करना है तो ये RHS में हमारे पास माइनस में आ जाएगा तो 10 माइनस 3 बन गया। दैट एम्प्लाइज y इज इक्वल टू 10 माइनस 3, हमारे पास कितना होता है 7, तो देयरफॉर y की कीमत हमारे पास कितनी निकली 7। इसका मतलब अगर हम 7 में 3 जमा करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। ये था हमारे पास दूसरा पार्ट। अब हम तीसरा पार्ट पढ़ते हैं। तीसरा पार्ट हमारे पास क्या है, 6 इज इक्वल टू z+2, जिसकी हमने वैल्यू मालूम करनी है वो हमारे पास RHS में। इसका भी सेम तरीका, थोड़ा क्या है शक्ल चेंज हुई है, यानी पहले हमारे पास जैसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमारे पास जिनकी वैल्यू निकालनी थी वो हमारे पास LHS में थे, और यहाँ पर हमने हमारे पास क्या है इसमें RHS में इसकी वैल्यू निकालनी, यानी जेड की वैल्यू हमने निकालनी। तो इसमें क्या करना है, तो जेड में हमने 2 जमा करना है, यानी हमारे पास वो कौन सा नंबर है जिसमें हमने 2 जमा किया है तो हमारे पास 6 आ गया है। तो हम क्या लिखेंगे, 6 को अपनी जगह लिखेंगे पिछला हाल, तो यहाँ से हमने ट्रांसपोजिंग सेम तरीका जैसे हमने यहाँ पर ट्रांसपोजिंग करते थे वैसे ही यहाँ पर भी हमने 6 को अपनी जगह लिखा और 2 को हमने ट्रांसपोज करना है। तो 2 हम ट्रांसपोज करेंगे तो
तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमारे पास टू प्लस में है, तो यहाँ पर किस में आ जाएगा, माइनस में। सिक्स माइनस टू इज इक्वल टू, हमारे पास यहाँ क्या रहा, खाली जेड रहा। तो देयर फोर दैट एम्प्लाइज सिक्स माइनस टू इज इक्वल टू फोर इज इक्वल टू जेड। तो हमारे पास क्या आ गया, जेड की वैल्यू फोर आ गई। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी जेड इज इक्वल टू फोर, जेड इज इक्वल टू फोर।